ये क्या है अम्मी? ये बड़ी आपा लेकर आई है। जिस तावीज पर तुम्हारा नाम लिखा है उसे तुम घोल कर पी लेना, और ताकि जो भी उसने अमल करवाया हो ना तुम पर वो खत्म हो जाएगा। और जिस पर साहिरा का नाम लिखा है ना उसे किसी भी शरबत में घोल के पिला देना। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो होना चाहिए। 40 दिन के अंदर अंदर पागल होकर किसी पागल खाने में पड़ी होगी कमबख्त औरत। अम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया में रहने वाले लोग और उनकी जिंदगियां सारे अल्लाह ताला के कानून पर चलती हैं। हमारे हर अमल के रद्द अमल में कोई ना कोई सजा या जजा लिखी हुई है। सुहानी बेटा, पर अम्मी आप अल्लाह ताला के कानून में दखल अंदाजी मत करें। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और के लिए सजा तजवीज करें। मैं क्या करूं, मेरा दिल तड़पता है तुम्हारे लिए। आप इस तड़पते हुए दिल से मेरे लिए सिर्फ दुआ करें। और ये तावीज? मुझे नहीं पता, कुछ भी करें, इसको जला दें या इसको पानी में बहा दें, लेकिन मुझे मत दें। मैं तो इस घर में आकर फंस कर रह गई हूँ कामरा। ना मेरी कोई इज्जत है ना कोई वकार, और बात बात पर बहाने ढूंढते तो मुझे बेइज्जत करने के। मुझे एक बात तो बताओ, क्या सारी खामियां तुम्हें मुझ में ही नजर आती हैं? सारा ना तो इस घर में अंधे रहते हैं और ना ही बहरे। हम सबको सब दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। सुहानी हमेशा तुम्हें इज्जत देने की कोशिश करती है, मगर तुम हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती हो। और ये बात मैंने ही नहीं, जुनैद ने भी नोटिस की है। तुम दोनों बाप बेटे इस बात को क्यों नहीं समझते हो कामरान, कि सुहानी के दिल में मेरी इज्जत नहीं है? वो इज्जत नहीं करती मेरी, वो सिर्फ नंबर का गेम खेल रही है। आप लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहती है बस। उसे भला इस खेल से क्या फायदा हो सकता है? जाहिर है कामरान, आप लोगों की नजरों में अच्छा बनेगी, और मुझे आप लोगों की नजरों में बुरा बनाकर इस घर से निकालना चाहती है। वो बदला लेना चाहती है मुझसे। साहिरा प्लीज, सुहानी के बारे में अपने नजरिए को तब्दील करो। उसी ने जुनैद के दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा की, और आज जो तुम इस घर में मौजूद हो इसकी वजह भी वो ही है। जो तुम्हारी भूल है कामरान, कि मैं इस घर में सुहानी की वजह से आऊं। मैं इस घर में अपने बेटे जुनैद की मोहब्बत की वजह से आऊं, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां आ गई। वरना इससे कई गुना बेहतर जिंदगी गुजार रही थी मैं। अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूं। क्यों, तुम्हें कोई शक है? तो फिर तुम्हें उस लड़की से नफरत क्यों है जिससे तुम्हारा बेटा मोहब्बत करता है? सुहानी से जुनैद की मोहब्बत एक नादानी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा एक बीवा से, एक बच्चे की माँ से शादी करे। इसका मतलब है कि तुमने उसे दिल से कबूल नहीं किया? कभी नहीं, और ना जिंदगी में कभी करूंगी। जुनैद को भी बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं साहिरा, गलती जुनैद नहीं कर रहा, गलती तुम कर रही हो। तुम देखना, ये गलती तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी तुमसे, सब कुछ। अम्मी मैं जुनैद की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जरियों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बेटा, सारा को तो जरा से भी मोहब्बत नहीं है जरियों से। मैं नहीं जानती कि वो जरियों को इतना नापसंद क्यों करती हैं। शायद इसलिए कि जरियों मेरा बेटा है। आपको पता है सायरा आंटी ये चाहती थी कि जरियों को आपके पास छोड़ दिया जाए। ये कहा उसने? जी, लेकिन जुनैद ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि जरियों उन्हीं के साथ रहेगा।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जुनेद बहुत अच्छा लड़का है। जुनेद की अच्छाई की वजह से मैं ज़ायरा आंटी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहती। मैं जुनेद को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, चाहे वो तुम्हारे साथ कितनी भी ज्यादती कर ले। मुझे यकीन है कि अगर वो मेरे साथ कोई ज्यादती करेंगी भी तो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगी। और मैं आपको भी यही कहूंगी कि ऐसी बातों को इग्नोर कर दें। जिन बातों से फसाद खड़ा होता है उनको नजरअंदाज करना ही बेहतर है। सुहानी ये लो, सबको केक खिला दो। मालूम भी तो चले बेटा किस खुशी में केक काटा जा रहा है। पापा पहले आप केक खाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और मम्मी को तो अपने हाथों से केक खिलाऊंगा मैं। लेकिन ये तो बताओ किस खुशी में केक काट रहे हो? मम्मी आज जरियून ने पहली बार मुझे बाबा कह के बुलाया। नाइस, तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो पहले दादा के हाथ से खाएगा। और दूसरा केक हम जब काटेंगे जब जरियून मम्मी को दादू कहेगा। दादा जरियून बस रहने दो, ठीक हूँ मैं ऐसे। अरे आजा 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 आजा, रोना नहीं। चलते हैं। सारा तुम सुनोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो उस दिन अच्छा लगेगा जब मेरे बेटे का बेटा मुझे दादू बोलेगा। वैसे मम्मी ये भी तो मेरा ही बेटा है। ये बस बेटा दिल्ली जा रहा है। एक जेवियन बाबू का बेटा क्या आपकी फैमिली? ठीक है मैं आ रहा हूं आपके साथ। ठीक है बहुत खुश लग रही है। जरियोन ने ये शायद इसलिए खुश भी नहीं हो सकते। इस घर में मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है क्या? बिल्कुल खुश हो सकती हूँ सारी, हक है तुम्हारा। सब चाहते हैं कि तुम खुश हो, पर इस घर में इसी वजह से ना रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। इस घर में तुम मुझे सिर्फ अजियत देने के लिए लेकर आए हो। जब से इस घर में आई हूँ मेरी दो टके की इज्जत नहीं है। जिस बेदर्दी से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था वो थप्पड़ मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। वो थप्पड़ मैंने तुम्हें नहीं मारा था सायरा, वो थप्पड़ तुमने खुद खाया था अपनी हरकत की वजह से। बहरहाल कामरान अब दोबारा जिंदगी में कभी ऐसी हरकत मत करना। अगर तुमने आइंदा ऐसी जुरत की तो मैं तुम्हें छोड़कर सरयाब हाउस चली जाऊंगी। मतलब सरयाब हाउस याद है तुम्हें? आज कैसे भूल सकती हूँ सरयाब हाउस को? वहां मेरी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजरे हैं, वहां मेरा हुक्म चलता था, मेरा रोब था, दबदबा था, और मैं साहिरा थी साहिरा। उसी रोब और दबदबे की खातिर तुम अपने बेटे को दोबारा छोड़ कर जाओ। कामरान ये भूल है तुम्हारी, अपने बेटे को नहीं छोड़ कर जाऊंगी, तुम्हें छोड़ कर जाऊंगी, उसे साथ लेकर जाऊंगी। और सुहानी, सुहानी एक फरमाबरदार बहू की तो जरूरत होगी, उसे अपने पास और पोते से दिल बहलाना। गुड नाइट।
सुला दिया जरियो? हाँ सो गया। मेरे बच्चे मैं तुम्हें देखकर बहुत दुखी हूँ। क्यों क्या हुआ? बेटे तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे एंजॉय करने के दिन है, तुम हो गए बच्चे को सुलाने में लगे हुए हो। यही तो दिन है कि मियां बीवी तन्हाई में चंद घड़ियां गुजारे। मम्मी मैं इन दिनों को भी बहुत अच्छे से गुजार रहा हूँ। बेटा तुम्हारी तो रातें बच्चे को सुलाने, उसके पैंपर चेंज करने और फीडर बनाने में गुजरेंगी। इसको लाइफ एंजॉय करना कहते हैं जुनेद? मेरे बच्चे तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। क्या तुम्हारे दिल में एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता तुमने एक बच्चे की माँ से शादी करके बहुत बड़ी गलती की? शायद अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन चंद दिनों बाद तुम सोचोगे जरूर कि मेरी माँ ठीक कैसे है। जुनेद मेरे बच्चे मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, एक बात तुम भी मेरी मान लो। जी मम्मी। देखो तुम अपनी जवानी इस तरह से बर्बाद मत करो, दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर लो? हाँ फौरन कर लो, सोचने की इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे मम्मी ये सुहानी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं हो जाएगी? अरे कोई ज्यादती नहीं होगी, उसने भी तो दूसरी शादी की है ना, अगर तुम कर लोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। जुनेद मेरी बात मानकर तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट आओगे, तुम्हें बहुत मुसर्रतें हासिल होंगी, तुम खुश रहोगे। मेरी जान बहुत खुश रहोगे। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जुनेद आपसे ज़ायरा आंटी क्या कह रही थी? कब? उस वक्त जब वो आई थी। कह रही थी कि सुहानी से बहुत प्यार किया करो, उसका ख्याल रखा करो। आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कह ही नहीं सकती। अगर मम्मी ऐसा कहें तो कितना अच्छा होना। अच्छा तो होगा, लेकिन आप मुझे बताएं वो क्या कह रही थी? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सुहानी वो जो कह रही थी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अपनी वाइफ को बताना खतरे वाली बात है। लेकिन तुम परेशान मत हो, सो जाओ। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, सोच रही थी कि अभी आप ऑफिस चले जाएंगे तो सारा दिन इन घर की दीवारों से बातें करती रहूंगी बस। जब सुहानी ऑफिस जाती थी ना तो मेरे पास जरियून होता था और उसके साथ वक्त कहां गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। असल में सुहानी से ज्यादा जरियून तुमसे मानूस हो गया था तो तुम्हें आदत पड़ गई जरियून की। अब जरियून घर में नहीं है तो तुम्हारा वक्त गुजरता है ना? लेकिन वक्त तो किसी ना किसी तरह से गुजारना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि सिलाई मशीन रख कर ना जरियून के लिए कपड़े सी लेती हूँ। हाँ ठीक है बेहतरीन है, तुम 3-4 सूट सी लो उसके जरियून के, फिर हम चले जाएंगे वहाँ। सही है अहमद, वो सुहानी सायरा के बारे में कुछ कह रही थी। क्या? वो कह रही थी कि सायरा चाहती है कि जरियून नानी के पास रहे। अरे वो
सायरा जो है वो जरियन को पसंद नहीं करती है ना, इसलिए कहा। हाँ उस खबीस औरत ने तो इसी नियत से कहा होगा, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ कि जरियन को अपने पास ही ले आऊं, कम से कम उस मनहूस औरत की नजरों से तो बचा रहेगा। हाँ अगर ऐसा हो जाए तो बुरा नहीं है। देखो भाई तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और सुहानी को भी आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या सुहानी मान जाएगी? पता नहीं, बात करके देखते हैं। हाँ भाई जरूर कुछ अरसे के भी तो रह सकता है मेरे पास। खैर जब जाएंगे तो पूछ लेंगे। ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। अरे आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? आइए। हाँ सलाम, कैसे सकीना? वालेकुम सलाम भैया। वालेकुम सलाम। सर में सकीना जो है ना वो अपनी बेटी और नवासे को बहुत मिस कर रही है, तो आप जरा दिल बहलाएं। और फरीद ने कैसे हो? मैं ठीक हूँ मामू, बस वो काम पे जा रहा था तो अमन ने कहा कि मेहमानी की तरफ छोड़ दो। और आप भी क्या ऑफिस जा रहे हैं? हाँ बेटे ऑफिस ही जा रहा हूँ, टाइम हो गया। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, चाय पी कर जाना। अरे मोमानी चाय फिर कभी पी लूंगा, अभी मुझे जाना है। आप ये बताइए कि सुहानी कैसी है? बहुत खुश है अपने घर में, कल ही तो आई थी जुनेद के साथ। अच्छा वैसे मोमानी जुनेद भी बहुत अच्छे आदमी है, जो उन्होंने घर आने को कहा था। अच्छा तो बेटा तुम जाओ ना अपनी बहन से मिलकर आओ, उसका घर देख कर आओ। हाँ हाँ मोमानी जरूर जाऊंगा। और आपको पता है मेरी जो शॉप है वो तो सुहानी के घर के बहुत करीब है। तो अच्छा अच्छा फिर इजाजत है। ठीक है आप मुझे ऑफिस जाना। हाँ जरूर। आप यहाँ आ जाओ। चलो आज आज ऑफिस बैठे। मैं चाय लाऊं आपके लिए? चाय? हाँ ले आओ। यही आओ।